ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घरेलू विवाद को लेकर सुजानपुर के बजरोल गांव में हुई मारपीट के बाद पुलिस के द्वारा ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित परिवार ने एसपी हमीरपुर अरिजीत सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। घरेलू विवाद को लेकर सुजानपुर के बजरोल गांव में हुई मारपीट के बाद पुलिस के द्वारा ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित परिवार ने एसपी हमीरपुर से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि बजरोल गांव में गत 30 जून को घरेलू विवाद के चलते हुए मारपीट के सगे चाचा के द्वारा सास बहू के साथ मारपीट की, जिसमें मीता देवी उम्र 60 साल की बाजू टूटने के साथ गहरी चोटें लगी थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में नॉर्मल आने पर पीड़ित परिवार ने गहरा रोष बना हुआ है। पीड़ित परिवार ने एसपी हमीरपुर से मिलकर भी आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बजरोल गांव में सास बहू के साथ हुई मारपीट के बाद पुलिस थाना सुजानपुर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस के द्वारा करवाए गए मेडिकल में रिपोर्ट ठीक ढंग से नहीं आने से पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रही है। हालांकि मारपीट में सास मीता देवी की बाजू टूटी हुई थी, इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। लकड़ियाँ पड़ास ने लकड़ियाँ फेंक दी ही सर रास्ते ने पूरी लकड़ियाँ फेंक दी हमारी लकड़ियाँ, कहने मैं उन्हीं को रख रही थी, पूरी लकड़ियाँ रख रही थोड़ी सी रही और मैं मेरी बहू पटका रही मैं रख रही थी। और उसने पहले आया गाली गलोच किया, कहने लगा मैं लकड़ियों को जला दूंगा। मैं कह रही तू बार बार झगड़ा कर दा भाई, कहो तेरी थोड़ी फेंकी है, बस जी ऐसी बात हो गई। कहने से थोड़ी देर बातचीत करके घर चला गया, कहने उन्नी फिर वापस आया अपनी माँ को भेज दिया साथ में खड़ा कर दिया। कहने मैं लकड़ियाँ घास बैठी हुई ही बुल्ले पास मुँह किया, हाँ जी मैम मेरी बहू पटका रही थी, कहने उस पीछे खड़ा हो गया, कहने मेरे को अपनी मैं पीछे खड़ी ही जी, कहने मेरे पीछे खड़ा हो गया वो, कहने मेरे से पीछे से डंडे से मार दे, एक चोट दे ससीरा पर सट्टी तिन्ने, कहने दूई दे है बाजू पर, त्री दे से घुटने ची जी। मेरी बहू मैं है बहू छुड़ाना लगी, कहने उसको भी तुन्नी धक्का दिता, उसको भी चोट मारी जी तिन्ने, बस छुड़ाने से मैं चीकी चलाई, कहने है छुड़ाए टाइम में सारे इकट्ठे हुई है जी, साले भी फिर हॉस्पिटल हाँ पहुंची है जी, उत्थी पुलिस भी आई, कहने वहाँ पर जी पुलिस सामने उत्थी मेडिकल हुआ, कने उन्हें गुम चोट थी मेरे को लगी हो तीन चोटें जी, हाँ कने उन्हें एक्सरे लिख दिया जी, एक्सरे दूसरे टाइम से पहली तरीक जो है ही नहीं था भी एक्सरे वाला, फिर मीरपुर में साथ हमारे साथ पुलिस वाली भी आई, पुलिस वाली कने उन्होंने एक्सरे किए जी, हमने पूछा भी रिपोर्ट कब मिलेगी, बोले बाद चले आएंगे जी हमारे आदमी, बोले फिर पुलिस आने गए तो तुम्हें बोले बाहर भी करा लिए, बोले एक्सरे बोले अपने तसलिए वास्ते एक्सरे चोट आई है जी, मैं एक्सरे लेने गई, कहने तीन पुलिस आने गए, बोले अहाँ थोड़ी दिखना अम्मा, बोले तुम अपना ट्रीटमेंट चलाओ बोले आना, कहने अहाँ सरकारी रिपोर्ट दिखनी, कहने सरकारी रिपोर्ट आने के बाद जी मैं 12 तरीक गई तो उन्होंने गले भाई 10 तरीक की रिपोर्ट आई है, कहने नॉर्मल है बोले आई थी, कहने पुराना फ्रैक्चर आ, मैं गले भाई पुराना आज तक मेरे को चोट कहीं नहीं लगी, इतनी साल मेरी 60 साल उम्र हुई है तो मुझे तो कहीं नहीं लगी चोट, वो तो पुराना फ्रैक्चर कैसे आई जा। पुलिस वालों ने कहा बोले जो उन्होंने रिपोर्ट लिखी है डॉक्टरनी ने बोले हाँ सही दसनी जी अगे, बोले बस यही बात हो तो उस दिन तो यहाँ थे डॉक्टरियाँ भाई मिलना चाहते आज तक नहीं मिल रही यहाँ जो। बेही पीड़िता के बेटे सुरेश कुमार ने बताया कि मारपीट के बाद माता की बाजू टूटी हुई है और प्लास्टर चढ़ा हुआ है, लेकिन पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट गलत बनाई है। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना सुजानपुर में मामले को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मारपीट के आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्लास्टर ने मारपीट की है और एक्सीडेंट है वो, और उसको काफी चोटें आई हुई है और बाजू भी टूट गई है, और हमने प्लास्टर भी करवाया है और हमीरपुर में हमने मेडिकल करवाया तो एक्सरे करवाया तो एक्सरे में अपना उन्होंने कुछ नहीं बताया कि आपकी जो रिपोर्ट है वो हमारे पास सुजानपुर पहुँच जाएगी और आप जा सकते हैं, और ये वापसी चले गए अपना जैसे घर चले गए। लेकिन जब थाने में गए तो थाने में उन्होंने बताया कि मेरे को तो ज़्यादा दर्द है, तो दर्द है तो उन्होंने बोला कि आप अपनी तसल्ली के लिए बाहर चेक करवा सकते हैं, जो बाहर चेक करवाया तो उसमें फ्रैक्चर आया, तो फिर हमने प्लास्टर भी करवा लिया, और फिर बाद में जब
हम थाने में गए तो बोलते आप जा सकते हैं घर। जब हम 10 दिन के बाद 12 तारीख को जाते हैं तो 12 तारीख गए तो उन्होंने बोला 10 तारीख आपकी रिपोर्ट आ गई है और वो नॉर्मल रिपोर्ट है। और उस दिन से हम पीछा का मतलब उनका कर रहे हैं तो बोलते हैं कि नॉर्मल है, हम तो वही करेंगे जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो हम हॉस्पिटल भी गए थे आज कि चलो मैडम से मिलते हैं, तो मैडम नहीं मिली। हम शनिवार को गए, एतवार की छुट्टी थी, सोमवार को गए, मंगलवार को गए, आज बुधवार है, वो मैडम नहीं मिली कि जिससे हम पहले उधर की कार्रवाई कर लें। और एसपी दफ्तर भी गए थे हम एसपी के पास, उन्होंने भी थाने में बात की, तो बात करने के बाद उन्होंने हमारे को भेज दिया। और हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि जो इसका जो टूटा हुआ है वो वैसे आना चाहिए, जो टूटा है तो टूटा ही है, उसको क्यों छुपा रहे हैं। नॉर्मल रिपोर्ट क्यों बता दी कि 60 साल इसकी उम्र होगी, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मैंने नहीं, मेरी 42 साल उम्र होगी, हमने कभी नहीं देखा कि मम्मी की बाजू टूटी हो कभी, तो पहले का फ्रैक्चर कैसे आ गया, उसके जवाब जो मैडम दे सकती है। आने वाले जो है ऐसे बोल रहे हैं कि हम रिपोर्ट गए हैं, तो रिपोर्ट में तो वही आएगा जो बाहर जो आया, तो जो बाहर जो दिखाया फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर ही आएगा सर, सरकारी में भी तो वही आया होगा जो फ्रैक्चर है, तो जो प्राइवेट में तो बताया तो उसमें भी फ्रैक्चर ही है, तो वही आएगा, तो हड्डी क्रैक है बिल्कुल लग गए और उसको तकलीफ ज़्यादा है, ना रात को नींद पड़ती है ना दिन में नींद पड़ती है, ये बात है सर। आप चाहते क्या भी प्रदान को? हाँ सर, हम चाहते हैं कि इस चीज़ का जो है खुलासा होए, और हमारे पास उसकी गंदी रिकॉर्डिंग भी है जो उसने गाली गलौज किया हुआ है, और उसको कोई डर नहीं है, और हम नौकरी करते हैं बाहर इसलिए 24 घंटे खतरा मंडराया रहता है, रात दिन में मतलब कोई पता नहीं, जो बंदा दिन में कर सकता है और रात को कोई पता नहीं होता उसका, और जनानियों को तो उसको पता ही नहीं है कि कैसे बात करते हैं।